अब देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस तरह से ज्ञात करते हैं? अब ये देखिए, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी। समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। ए, ये भी आपका ए हो गया, ये भी आपका ए हो गया। तो नाम से स्पष्ट है ये समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बट्टा दो गुना आधार गुना ऊंचाई। तो सबसे पहले क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज का, तो ऊंचाई जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहां से हमने एक ऊंचाई h मान लिया। ये जो आपका ऊंचाई दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज, या इसको आधा आधा भाग में डिवाइड कर, ये इसकी भुजाएं हैं ए, तो इसको आधा में अगर डिवाइड करेगा तो ये आपका हो जाएगा ए बाई टू और ये आपका हो जाएगा ए बाई टू। अब एल्टीट्यूड है, इसको कहा जाता है। ये देखिए, ए डी और सी एक समकोण त्रिभुज बना और ए डी और बी दूसरा समकोण त्रिभुज बना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए, इसका आधार ये हो गया और इसका ऊंचाई ये हो गया और ये इसका कर्ण हो गया। अब देखते हैं कि त्रिभुज ए डी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में यदि हम ऊंचाई को ज्ञात करना है हमें, तो ऊंचाई बराबर एस बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर का घटा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, इसका स्क्वायर किया तो इसको हम घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 4a² माइनस ए स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3a² बाय 4। तो s इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा h इज इक्वल टू a बाय 2 रूट अंडर 3। ये इसका हमने ऊंचाई को ज्ञात किया है a d और c से। उसी तरह से आपका a d और b में भी ऊंचाई प्राप्त होगा, x को a बाय a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 दोनों में घटा देंगे तो ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है? समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार, आधार आपका दिया हुआ बी सी इंटू ऊंचाई आपका दिया हुआ ए डी। आप देखिए 1/2 इंटू बी सी आपका कितना दिया हो, ये आपका आधार है, आधार आपका सेम है तो बी सी बराबर ए और ए डी आपका जो हाइट निकला है ऊंचाई वो आपका दिया हुआ है ए बाई 2 इंटू रूट 3। अब दोनों को गुना कर देंगे ए स्क्वायर बाय 4 इंटू रूट 3। तो अब इसको सीधा कर देंगे तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट 3 बाय 4 इंटू ए स्क्वायर या फिर रूट 3 बाय 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो इस तरह से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यह आपका टॉपिक समबाहु त्रिभुज से संबंधित था। समबाहु त्रिभुज में जो हम परिमाप क्षेत्रफल, उसका लंबाई, उसका कोण हम आसानी से सूत्र